बहू की राजनीति। सीमा जी और सुरेश जी की दो बहू थी, बड़ी दिव्या और छोटी दीपाली। दीपाली नेचर से सीधी सादी थी और दिव्या काफी चालाक, लेकिन ऊपर से देखने में ऐसा लगता था जैसे दिव्या काफी अच्छे स्वभाव की है। अरे दिव्या, देखो बेटा, तुम्हारी कजिन ननद की शादी है और हमें ना उसे अच्छा तोहफा देना है भाई। तुम्हारे चाचा ससुर ने काफी पैसे खर्च किए थे तुम लोगों की शादी में। हाँ हाँ, क्यों नहीं मम्मी जी, जरूर जरूर, हमें भी अपने रिश्तेदारों के लिए अच्छे से अच्छा करना चाहिए। हमारी बहू कितनी समझदार है, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती। अरे पापा जी, इसमें मना करने वाली क्या बात है, सब कुछ आप लोगों का ही तो है, मुझे कैसी परेशानी। ठीक है बेटा, तुम एक काम करो, दीपाली को साथ लेकर बाजार चली जाओ और कुछ 4-5 साड़ियाँ खरीद लाओ और एक सोने का हार भी ले आना। जी मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। बहू, ये सारा सामान खरीदने के लिए पैसे मैं देता हूँ, तुम अपना कोई खर्च मत करना। हाँ बेटा। पापा जी, ये आप क्या कह रहे हैं, घर की बड़ी बहू मैं, इतना तो कर ही सकती हूँ ना। दिव्या दीपाली को अपने साथ बाजार लेकर जाती है। बाजार में साड़ियाँ खरीदने के बाद, अरे दीपाली, मैं तो अपना पर्स घर पर ही छोड़ आई, एक काम करो ना, अभी पैसे तुम दे दो। जी भाभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पे कर देती हूँ बिल, और वैसे भी एक ही तो बात है। गहने खरीदने के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ, दिव्या ने सारे बिल दीपाली से पे करवा लिए। दीपाली, मेरी एक बात मानोगी तुम ना, इस बारे में मम्मी जी पापा जी से कुछ मत कहना कि सारी शॉपिंग के पैसे तुमने दिए हैं। ऐसा क्यों भाभी, मतलब मैं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, कोई खास वजह है क्या भाभी? वो क्या है ना दीपाली, मैंने ही मम्मी पापा से कहा था कि सारे गिफ्ट मैं अपनी तरफ से देने वाली हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हारे पैसे तो वापस लौटा ही दूंगी ना। अरे नहीं नहीं भाभी, रहने दीजिए, हम दोनों ही इस घर की बहू हैं, अब पैसे आप दें या मैं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलो अगर तुम्हारा मन है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज हाँ, मम्मी पापा को मत बताना। घर पहुंचने के बाद दिव्या खुश होकर सारे गिफ्ट सास ससुर को दिखाती है, वे दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। दीपाली के वहां से जाने के बाद, बहू, ये साड़ी और गहने देखकर लग रहा है कि काफी अच्छा खासा बिल बना होगा तुम्हारा। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, कोई बात नहीं, मैंने खर्चा कर दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं बेटा, खर्चा कुछ ज्यादा ही हो गया है, तुम एक काम करो, ये पैसे रख लो। पापा जी, अब आप जिद कर रहे हैं तो मैं ये पैसे रख लेती हूँ, वरना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। वैसे एक बात कहूँ, हमारी दिव्या बहुत समझदार है, दीपाली ने तो एक बार पूछा भी नहीं, लगता है उसे अपने पैसों की कुछ ज्यादा ही परवाह है। अरे जाने दीजिए ना मम्मी जी, छोटी है, मेरी छोटी बहन जैसी, जब तक मैं हूँ तब तक उसे खर्च करने की क्या जरूरत है। हाँ वाकई दिव्या, तुम घर की बड़ी बहू होने के लायक ही हो, बहुत समझदार हो। और फिर एक दिन सुबह के वक्त, मम्मी जी आज मुझे ऑफिस में कुछ ज्यादा काम है, जल्दी जाना होगा। ठीक है बहू, जल्दी चली जाओ, अब ऑफिस का काम है तो मैं भी क्या कह सकती हूँ। लेकिन मम्मी जी, आज मैं दोपहर में ही घर वापस आ जाऊंगी और उसके बाद का घर का सारा काम मैं संभाल लूंगी। अरे ठीक है ना दीपाली, तुम जाओ, कोई बात नहीं, मम्मी जी उसे जाने दीजिए, काम क्या है, मैं हूँ ना। दीपाली के ऑफिस जाने के बाद दिव्या चुपचाप अपने कमरे में जाकर दीपाली को फोन करती है। हेलो दीपाली, आज तुम घर जल्दी आने वाली हो ना। हाँ भाभी, वो मेरे ऑफिस में सुबह का कोई काम था तो मैंने दोपहर के बाद की छुट्टी ले ली है। अरे नहीं नहीं दीपाली, तुम एक काम करो, तुम आज की छुट्टी मत लो, कल की ले लेना, आज घर पर ना कोई काम नहीं है और कल मुझे कहीं बाहर जाना है तो तुम घर का काम संभाल लेना। ठीक है भाभी, अगर आप कहती हैं तो मैं आज शाम तक ऑफिस में रुक जाती हूँ और कल की छुट्टी ले लेती हूँ। फोन रखने के बाद दिव्या सीधे अपने सास सीमा के पास जाती है। मम्मी जी, आपको शादी में जाने के लिए शॉपिंग करनी थी ना, तो आप जाकर कर आइए ना। लेकिन बहू, आज तो तुम्हें भी अपने काम से कहीं बाहर जाना था ना। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आज आप शॉपिंग पर चली जाइए, मेरा क्या है, मैं कल चली जाऊंगी। दिव्या की बात मानकर सीमा जी शॉपिंग करने चली जाती है।
शाम को जब दीपाली ऑफिस से लौट कर आती है तो थैंक गॉड दीपाली तुम आ गई। जानती हो मैं कितना थक गई हूँ। क्या हुआ भाभी, आज मम्मी जी ने आपके काम में मदद नहीं की क्या? अरे उनका क्या है, जैसे ही पता लगा तुम जल्दी आने वाली हो तो बस किसी ना किसी काम का बहाना करके बाजार चली गई। ये तो बहुत गलत बात है, मम्मी जी तो कल भी जा सकती थी ना, मैंने कल की छुट्टी भी ले ली है। मैंने उनसे कहा भी कि कल दीपाली घर पर रहने वाली है, मम्मी जी आप कल चले जाना, लेकिन तुम तो जानती हो ना सास है, वो हमारी बात क्यों मानेंगी। हाँ भाभी आप ठीक कहती हैं, लेकिन कल ना आप आराम से अपना काम करके आना, मैं पूरा दिन घर पर रहूंगी। अगले दिन दीपाली ऑफिस से अपनी छुट्टी ले लेती है और दिव्या की चाल कामयाब हो जाती है, उसे घर से बाहर जाने के लिए पूरा दिन मिल जाता है। दीपाली आज दिव्या को बाहर जाना है, तुम तो रोज ऑफिस चली जाती हो, उसे बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है, इसलिए तुम घर का काम संभाल लो। जी मम्मी जी मैं सारा काम कर लूंगी। दिव्या खुश होते हुए सुबह सुबह अपने घर से चली जाती है, पूरा दिन आराम से घूम फिर कर और शॉपिंग करके घर वापस आती है और अपने कमरे में आने के बाद दिव्या अपने आप से ही बातें करने लगती है। मजा आ गया, ऐसी राजनीति खेली है ना, पापा जी से शॉपिंग करने के लिए पैसे भी मिल गए, मम्मी और दीपाली को बेवकूफ बनाकर घूमने के लिए पूरा दिन भी। भाई दिमाग हो तुम मेरे जैसा। दिव्या इसी तरह अपनी फूट डालो और राज करो की राजनीति के चलते अपनी सास और देवरानी के बीच में कुछ न कुछ राजनीति खेलकर अपना काम निकलवा लेती थी, लेकिन एक दिन उसकी राजनीति उसके ऊपर ही उल्टी पड़ गई। एक दिन सीमा जी ने बताया, अरे बहू हमारे दूर के रिश्तेदारी के 4-5 लोग आज शाम को घर पर आ रहे हैं, तुम लोगों को अच्छा सा खाना बनाकर रखना है। अरे मम्मी जी ये तो बहुत अच्छी बात है, आज मेरे भी ऑफिस से मेरी कुछ सहेलियां मुझसे मिलने आने वाली हैं, मैं उनके लिए तो खाना बनाऊंगी ही तो रिश्तेदारों के लिए भी अच्छा सा खाना बना दूंगी। देखो बहू आज घर में रिश्तेदार आने वाले हैं, तुम अपनी सहेलियों को फिर किसी दिन बुला लेना, मना कर दो उनको। ये सुनकर दिव्या को लगा कि अगर दीपाली ने रिश्तेदारों के लिए खाना बना दिया तो फिर उसकी ही तारीफ होगी, इसलिए उसने फिर से अपनी राजनीति खेली। अरे मम्मी जी जाने दीजिए ना, रिश्तेदारों का खाना मैं बना लूंगी, और दीपाली तुम एक काम करो, तुम अपनी सहेलियों के साथ कहीं बाहर डिनर करके आ जाओ, ठीक है। दिव्या मन ही मन सोच रही थी कि ऐसा करके वो अपनी देवरानी दीपाली के दिल में अच्छी जगह बना लेगी और सास को ये कह देगी कि देखिए दीपाली तो रिश्तेदारों के आने पर भी घर से बाहर है, और फिर रिश्तेदारों के लिए वो जो खाना बनाएगी उसे खाकर उसे ही तारीफ मिलेगी। यही सोचकर दिव्या ने बहुत मेहनत करके डिनर के लिए टेस्टी खाना बना दिया, लेकिन फिर शाम के वक्त अचानक से सीमा जी ने दिव्या को बताया, अरे दिव्या बेटा तुमने कितनी मेहनत करके खाना बनाया था, लेकिन हमारे रिश्तेदारों के आने का प्रोग्राम तो लास्ट मिनट पर कैंसिल हो गया है बेटा। अरे मम्मी जी लेकिन इतने सारे खाने का क्या होगा? अरे होना क्या है, दीपाली को फोन कर दो, वो अपनी सहेलियों को यहीं लेकर आ जाएगी और उसके भी बाहर जाने के पैसे बच जाएंगे। हे भगवान इस बार तो मैं अपनी राजनीति में खुद ही फंस गई, एक तो इतना सारा खाना मुझे बनाना पड़ा और मजे करेंगे दीपाली की सहेलियां, आगे से मैं किसी के संग राजनीति नहीं करूंगी।